सील करवा देंगे तो वहाँ पर भी एक आटा का है, कहाँ पे है वो भी इधर 800-900 रुपए के पास है, इतने चलते हैं जिसके पास है ना काले को लुटवा देंगे पैसा उधर। जिस तरीके से आज गोदाम मंडी खुली है, लोगों का इतना सारा भीड़ है, इससे तो वायरस फैलेगा, पूरा वायरस पूरा इतनी भीड़ के चलते वायरस फैलेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 2 ही घंटे दुकान खोले को अनुमति दिया जाए, दवा हो या सब्जी हो या किराना हो या मंडी हो, ताकि वायरस नहीं फैले, सिर्फ 2 ही घंटा खोलने की अनुमति दिया जाए। क्या रेट मिल रहा है अभी? तो रेट कुछ तेल का बढ़ गया है, कुछ रिफाइन का बढ़ गया है, सब महंगा करके बेच रहे हैं। रिफाइन का दाम बढ़ गया है, सरसों तेल का दाम बढ़ गया है, चीनी का दाम, आलू का दाम बढ़ गया है, सब्जी वाला लूट रहा है। यहाँ 30 का प्याज बिक रहा है तो नए गोदाम में 40 का प्याज बिक रहा है। इस पर भी काबू सरकार को कहिए कि इस पर भी काबू किया जाए, महंगाई पूरा बढ़ा दी। मेरा नाम काला बाजारी को लेकर क्या? काला बाजारी के लिए हम लोगों ने SDM लेवल पे एक टीम बनाया है और डायरेक्शन दिया है कि टीम घूम घूम के रेट्स को चेक करेगी, सुनिश्चित करेगी उसका अनुपालन हो। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जिसका नंबर 2222-2229 है, उस पर लोग कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद उस जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में सभी किराना स्टोर जो कि उनको बोला गया है कल से, वो रेट लिस्ट जो मेजर आइटम्स जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उसका अपने यहाँ पर उसको भी रखेंगे, डिस्प्ले पे रखेंगे या उनके पास रखेंगे, जिसको कि लोग मांग सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आधार पर लोग पे करेंगे। फल और सब्जी के लिए भी हम लोगों का एक प्रयास है कि किस तरह से एक कोई मूल्य जो औसतन मूल्य है उसको हम लोग जगह जगह डिस्प्ले कर सकें मंडियों के आसपास, ताकि उसका भी कालाबाजारी न किया जा सके। ठीक है, सौदा का दुकान है ना। Yeah.
लीजिए, प्रूफ दीजिए। सरकार भी बटवाएगा ना, बटवाना चाहिए। खाली मच्छर मारा प्राइवेट वाला भी लोग एनजीओ काट रहा है। खाली बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से सरकार संस्था लोग नहीं कहीं बोल रहे हैं। बताइए ना, पार्टी के लिए मेरा किचन में जाएगा। माधव